उत्तराखंड के आधा से ज़्यादा गांवों में नंदा अष्टमी की धूम बड़ी जोर शोरों से मनाया जाता है। और कल वाला वीडियो, कल परसों लगातार दो तीन दिन वाला वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि नंदा लोग फुलारी जाते हैं तो बिल्कुल नंगे पैर घर से ऊपर कैलाश पर्वत की ओर, और अपने शरीर पर केवल एक ऊनी वस्त्र याची चोटी शिखर कैलाश पर्वत पर हमारे गाँव से भी चार फुलारी माँ नंदा को मिलने के लिए निकल चुके हैं। देख लो ना, ये हमारा पंचायती चौक है, कल यहाँ पे चूना पेंट वगैरह भी कर दिया है, यानी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। जय माँ नंदा, जय माँ भगवती। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत कुछ नई तरीके से करते हैं। तो मेरा नाम है जयदीप रावत, और शॉर्ट में जेडी भी बोल सकते हैं। गाँव का नाम है सुभाई भविष्यवद्री, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ ब्लॉक में पड़ता है। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, भविष्यवद्री की इन खूबसूरत वादियों से। तो भाई दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत कुछ दूसरे तरीके से होगी है, और स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला इंट्रो ठीक है या जो पहले मैं करता था वो वाला। चलिए जी, आज मौसम बहुत प्यारा हो रखा है और धूप लगी हुई है मस्त, और आज बहुत खास दिन है उत्तराखंड की संस्कृति लोक विरासत के लिए। जब कोई ध्यान साल भर के लिए ससुराल में रहती है तो इमेजिन करिए कि एक दिन उसके माइक भी फाइनली वीडियो वगैरह अपलोड भी हो गया है। बाकी कल वीडियो नहीं बनाया, उसका मेन रीज़न ये है कि गांव में नेट ठीक से चलता नहीं है, जिस वजह से वीडियो पेंडिंग पड़ जा रही है। बाकी यहीं पर है नंदा देवी मंदिर का ये बोर्ड लगा हुआ, और आजकल जो यहाँ पे पुराना मंदिर था उसको खोल करके नया बन रहा है। यानी जब भी आप लोग भविष्यवद्री आओगे तो सबसे पहले आपको नंदा माता का यहीं पे दर्शन हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद ये भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, यहाँ से सामने की पहाड़ियाँ खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। बगल पे ही चाचा जी औरों का लगभग ये एक बड़ा होटल बन रहा है, इस पर अभी तक जो दो मंजिला चढ़ रहा है उस पर टोटल मिला के 20 कमरे अवेलेबल होने वाले हैं। यानी कुछ टाइम बाद जब भविष्यवद्री धाम में यात्रा तेज़ होगी या ट्रैकिंग वगैरह चलेंगे, ग्रुप्स वगैरह चलेंगे, तो यहाँ रुकने की व्यवस्था आसानी से गांव में हो जाएगी। वैसे तो गांव में बहुत सारे होम स्टे हैं, लेकिन एक बड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें जो बड़ा ग्रुप वगैरह यात्रा ज़्यादा तेज़ चलेगी तो आसानी से मतलब लोगों को रहने के लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए, गांव में ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। बाकी निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम भी हो गया है दिन का। तो संदीप भी जाएगा खाना खाने घर की ओर, मैं भी अपने घर की ओर। ये है सिलोटे में दाल पीसने में, और घर में कुछ इस प्रकार से पीसते हैं। ये पत्थर का होता है सिलोटा, और अगर जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता होगा, सबके घरों में अभी भी ये होगा पुराने। तो कल घर के सामने वाला जो किचन के बिल्कुल सामने दीवार है ये नीचे खिसक गया, यानी थोड़ा बरसात के कारण। पहले कच्चा बना हुआ था ये गारंटी रोज़गार में, तो ये बिल्कुल नीचे चले गया, क्योंकि बाकी यहीं पे दीवार गिरने से ना बुआ जी औरों का जो राजमा है उसका नुकसान हो गया थोड़ा बहुत। जब ये पक जाएंगे ना तो उसके बाद फिर से ये दीवार बन जाएगा, और वहाँ पे से कल ना ककड़ी का झील है वो, तो वहाँ से एक ककड़ी निकाला था हमने, और इस दीवार के साथ साथ ये चौक भी बनाना था, तो ये दोनों काम साथ में होगा। अभी दिन के 12 बज चुके हैं और फुलारी भी पहुँच गए होंगे ऊँचे हिमालय कैलाश पे, और अभी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब फुलारी कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं तो थोड़ा जो शुभ संकेत होता है उसके लिए ये भी ज़रूरी है। तो इन कपड़ों को उठा देते हैं, थोड़ी देर में जब तेज़ बारिश होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। के 5 बजने वाले हैं, और अभी संदीप और मैं आए थे गांव से इधर लगभग 3-4 किलोमीटर पीछे रिंगी की ओर, तो घूमने आए थे। तो यहां पे देख लो ना, आज पूरी सड़क नीचे जाने वाली है। जब वो इस धार में ना इतना मस्त सा लगता था ये वाला सड़क, क्योंकि नीचे से पूरा मिट्टी ही मिट्टी है, दीवार तो नीचे निकल गई है, और यहाँ से नीचे देख लो जो हमारा पुराना रास्ता था नीचे, जो बॉर्डर रोड,
सीधे यहाँ से पत्थर वहीं जा इसके रहे बाद हैं। एक दो दिन में अगर नीचे चले गए ना तो समझ लो कि यहाँ आवाजाही बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इस धार से ऊपर चौड़ी कटिंग तो है नहीं, क्योंकि इतना चौड़ा तो ऑलरेडी है और ऊपर सीधे चट्टान लग गया और लगभग इतना नीचे जा रहा है, तो सिर्फ बाइक के लिए होगी खुली, बाकी गाड़ियों के लिए बंद हो जाएगी। फिर आप दोस्तों, अभी हमने रोड पे यहाँ पत्थर लगा दिए हैं ये, ताकि कोई बड़ी गाड़ी आए ना तो उसको पहले ही पता चल जाए कि यहाँ ये रोड धसकने वाला है, क्योंकि कोई लोड गाड़ी आएगी तो उसको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरी ज़मीन धसक रही है यहाँ से नीचे, इसीलिए ये पत्थर वगैरह लगा दिए हैं। तो अब चलते हैं घर।